माजुली विश्व का नदी पे बसा सबसे बड़ा प्राकृतिक द्वीप। एक द्वीप होने की वजह से माजुली में एक अनूठा कल्चर डेवलप हुआ जो बाकी सारे आसाम से काफी अलग है। आज हम माजुली की इस अनूठी संस्कृति को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे यहाँ की 17 संस्कृति, यहाँ की मिसिंग और देवरी ट्राइब्स, यहाँ का स्वादिष्ट खाना और राइस वाइन, यहाँ के मुखौटे और यहाँ बसे बेहद सिंपल और अमेजिंग लोग। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ हमारा पिछला वीडियो खत्म हुआ, जोरहाट। हमारे माजुली एक्सप्लोरेशंस की स्टार्ट होती है इस घाट से जिसका नाम है निमिती घाट। यहाँ से फेरी लेके जाएंगे। अगर आप फेरी से नहीं जाना चाहते तो आप ब्रिज से भी जा सकते हैं। एक्चुअली डिब्रूगढ़ के आगे से एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है, बट आई वुड से द रिकमेंडेड वे इज टू गो बाय द बोट वाया ब्रह्मपुत्र। करीब जर्नी में 1-1.5 घंटा लगता है और इसकी कॉस्ट होती है 45 रुपीज। अगर आपके पास अपनी खुद की कार है तो आप कार को भी लेके जा सकते हैं, इट्स अ बिग फेरी और इसकी कॉस्ट होती है 900 रुपए। परंतु अगर आप अपनी कार ले जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग पहले से कर लेते हैं। निमती घाट से करीब 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हमारी बोट पहुंच गई माजुली के कमलाबारी घाट पे। माजुली पहुंचकर सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोड साइड कैरम खेला और फिर घूमा यहाँ के सरसों के खेतों को। बिल्कुल पंजाब की याद आ गई माजुली में। तो हम माजुली में अपने प्लेस ऑफ स्टे में पहुंच चुके हैं। दिस इज कॉल्ड महेश्वर लैंड और मैंने ये बुकिंग में बुक किया था। ये एक सिंपल और बेसिक सा बैम्बू हट है और मैं आपको एक बैम्बू हट टूर देता हूँ अभी नेक्स्ट। सो कम अलोंग, लेट मी शो यू व्हाट दिस प्लेस लुक्स लाइक। सो ये फैमिली रूम है, तो यहाँ पे एक डबल बेड है ऊपर और ये छोटे बच्चे अगर हैं या इफ यू हैव 4 फ्रेंड्स यू कैन आल्सो स्टे हियर। दिस इज द रूम, इट्स ऑल मेड विद बैम्बू, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे है। एंड हियर इज द वॉशरूम, क्लीन सिंपल एंड बेसिक। राइट नाउ टाइम फॉर अ क्विक रेस्ट एंड देन वी विल हेड आउट अगेन। चलिए मैं माजुली के बारे में आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, पर अगर आप गूगल मैप्स में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आइलैंड है या लैंडमास ही है। उसका रीजन ये है कि वो तीन तरफ से तो ब्रह्मपुत्र से सराउंडेड है और चौथी तरफ एक दूसरी रिवर स्ट्रीम है। सो दैट्स हाउ इट बिकम्स अ कंप्लीट आइलैंड। नाउ ये आइलैंड अलग अलग सीजंस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है कंप्लीटली। तो अगर आप यहाँ विंटर्स में आते हैं तो डेफिनेटली गेट योर कोल्ड क्लोथिंग अराउंड विद यू बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। तो पहला सनसेट है हमारा यहाँ पे और उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए फिर से उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। हम कमलाबारी घाट पे हैं और ये काफी पॉपुलर सनसेट स्पॉट है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर यहाँ करना क्या है। थैंकफुली आज बहुत दिनों बाद सनसेट रीजनेबली डिसेंट है क्योंकि पीछे सन दिखाई दे रहा है। सनसेट के बाद हम अपनी पहली शाम ही निकल पड़े माजुली की फेमस राइस बियर ट्राई करने के लिए। हमारी खोज ने हमें पहुंचा दिया नयन मुनि जी के घर पे जिनसे मेरी मुलाकात सिप सागर में हुई थी। तो हमारे साथ एक्चुअली जो हमारे होस्ट है, आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? जी, नमस्ते, मेरा नाम ब्रजन कुमार गाम है। तो ब्लैक बियर, व्हाइट बियर, इनका टेस्ट भी अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। सो ये ब्लैक बियर इज एक्चुअली मेडिसिनल, तो ये पाचन के लिए अच्छा होता है। अगर पत्थर हो जाए तो ये स्टोन रिमूव हो जाते हैं। सो और व्हाइट बियर में क्या खास है? एनर्जी। हाँ, एनर्जी के लिए। तो कितना टाइम लगता है पूरा बनाने? मेरे होस्ट ने बताया कि ब्लैक राइस बियर बनाने में करीब 20-25 दिन लगते हैं और व्हाइट बियर बनाने में करीब 10-12 दिन। बेसिकली दो तरह की होती है जैसे बियर, एक व्हाइट होती है एक ब्लैक होती है। तो हम आज व्हाइट बियर ट्राई करेंगे, बट आई एम गोना ईट दिस टू टेस्ट कि इसका टेस्ट कैसा होता है। इट्स राइस विच इज खट्टा मीठा। बिल्कुल। तो हमारी व्हाइट बियर रेडी है। It has a consistency of thin milk or something. और जिसमें मैं पी रहा हूँ इसको कहते हैं बाटी जी, which is like a big कटोरा। ऐसा सुनने में आया है कि करीब 4 ग्लास पीना पड़ता है तब जाके आप थोड़ा ड्रंक फील करते हैं। तो मैं 4 ग्लास नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ एक ट्राई करने वाला हूँ, just to see how it is. Wow, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बियर वियर पी रहे हैं, लग रहा है शरबत पी रहे हैं कुछ। थोड़ा फर्मेंटेड टेस्ट है। सब्जी खाते हैं इसके साथ? खा सकते हैं। हम्म,
जैसे ही हम राइस बियर टेस्टिंग के बाद होम स्टे वापस आए, देयर वाज एन अमेजिंग सरप्राइज वेटिंग फॉर अस। हमें एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आ गया। हमने बहुत सारा केक खाया, कई नए मित्र बनाए, इंक्लूडिंग द लोकल इंस्पेक्टर साहब। रात थोड़ी ठंडी थी और हम थोड़ी देर आग सेकने के बाद जल्द ही सो गए। अगली सुबह सनराइज के साथ हमारी दिन की शुरुआत हो गई। हमने पिछली रात को ही एक टैक्सी बुक कर ली थी सुबह 6 बजे और हम पहुंच गए एक लोकल नदी के छोर पे। यदि आप माजुली आते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिलैक्स करना होना चाहिए, नॉट रियली टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। दिस इज वन ऑफ दोस प्लेसेस वेयर यू कम रिजुविनेट, काम डाउन, स्लो डाउन इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे लाइफ भी काफी स्लो है। यहाँ पे आराम से दिन शुरुआत होती है और आराम से दिन खत्म होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक अच्छे से, स्लो से, काम से रिजॉर्ट में रुके या होम स्टे में रुके, जैसे मैं रुका हूँ। प्लान फॉर मेनी डेज हियर एंड मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये दोस्त बन गया। एनीवे, हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं। अभी सुबह के सिर्फ 7:15 बजे। गुड टाइम टू बी आउट एंड अबाउट एंड सी सम माजुली व्हेन नोबडी एल्स इज अराउंड। सब सो रहे हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सनराइज के लिए हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक ब्रिज में आए। इस ब्रिज का नाम भी सनराइज ब्रिज है। सो जो लैंडमार्क यहाँ पे पास में एक रिजॉर्ट है, डेकासोंग करके उसका नाम है, अगर आप वहाँ पहुँचते हैं यू कैन सी द ब्रिज फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन इजीली वॉक अप टू दिस प्लेस। इट्स मेंट फॉर वॉकिंग एंड साइकिल्स, पटिया तो गाड़ियाँ भी जाती है। सो दिस इज अ गुड प्लेस टू कम हेयर एंड शूट। ऑल्सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू कम हेयर एंड जस्ट वॉक अराउंड एंड एक्सप्लोर अ बिट ऑफ माजुली इफ यू आर कमिंग एज अ ट्रैवलर। मॉर्निंग फोटोग्राफी के बाद समय हो गया था एक बहुत ही यूनिक नाश्ता करने का। बट फ्रैंकली नाश्ता तो केवल एक बहाना था, मुझे यहाँ की अनूठी 17 संस्कृति को समझना था। पर ये 17 होता क्या है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्रैश कोर्स दे देता हूँ। 16वीं शताब्दी में असम में वैष्णव मूवमेंट की शुरुआत संत शंकर देव और संत माधव देव के लीडरशिप में हुई। उसी समय यहाँ कई 17 बने जो आज तक भी फंक्शनल है। एक 17 बेसिकली एक आश्रम की तरह होता है जहाँ लॉर्ड विष्णु के भक्त साथ में रहते हैं, साथ में सीखते हैं और साथ में पूजा पाठ भी करते हैं। एक 17 में लड़के बचपन से ही आ जाते हैं और फिर अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत करते हैं। 17 की एजुकेशन में माइंड, बॉडी और सोल तीनों पर ही पूरा फोकस दिया जाता है। हम माजुली के भोगपुर 17 में नाश्ता करने गए और वहाँ हमारी मुलाकात हुई उत्पल जी से। मेरे साथ उत्पल जी हैं जो यहाँ 26 साल से बचपन में ही आ चुके हैं। उत्पल जी 5 साल की उम्र से ही 17 आ गए थे और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया है। उत्पल जी हमारे 17 के गाइड भी बन गए और उन्होंने हमें 17 का ही बना हुआ बेहद स्वादिष्ट नाश्ता भी कराया। थैंक यू। क्या है आप बताएंगे हमें? ये दही है, कोमल चावल इसमें है और ये गुड़, दही, गुड़ और चावल। भोगपुर 17 में मॉर्निंग प्रेयर्स अटेंड करने के बाद समय था माजुली की एक और बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन को समझने का, यहाँ की मास्क मेकिंग। तो अभी हम हेमचंद्र गोस्वामी जी के साथ हैं जो माजुली के सबसे फेमस लोगों में से एक है। तो मेरा नाम हेमचंद्र गोस्वामी, तो ये मेरा घर है, मेरा काम है मुकुटा मास्क बनाया। हेमचंद जी ने बताया कि कैसे ये मास्क ड्रामा में उन कैरेक्टर्स के लिए बनाए जाते थे जिन्हें मेकअप के बाद भी ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। इस ट्रेडिशन की शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में। मास्क बनाने के 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले लोकली सोर्स बैम्बू से बेस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसके बाद कॉटन और क्ले से नेक्स्ट लेयर बनाई जाती है। अगली लेयर गोबर, क्ले और केरोसिन की होती है। इसे सूखने के बाद फिर से कपड़े और क्ले की लेयर लगाई जाती है और फाइनल स्टेप होता है कलर करना। सभी कलर्स नेचुरली लोकली सोर्स्ड होते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। बहुत अच्छा है। जीमों का। जीमों। एके। हाँ। कि
इससे पहले कि हम लंच का प्लान बना पाते, हमें एक वेडिंग इनविटेशन आ गया और हम वहाँ फिर से पहुँच गए राइस वाइन ट्राई करने। अब भाई राइस वाइन के लिए मना कौन कर सकता है। अगला मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विलेज में लेके जाता हूँ। दिस इज कॉल्ड माझौर देवरी एंड मेरे साथ है सागर जी। सागर यहीं पे रहते हैं और हम एक्चुअली उनके घर में आज आ गए हैं, जबकि आज यहाँ पे कल एक शादी है। कल शादी है। Like missing Deori is also a very important and a special tribe of Majuli. Or it seems the first rice beer was made by them. So originally it comes from the Deori tribe. And Sagar is telling me he will make me try some of the authentic, original, homemade rice beer today. Yeah. Okay, so we are gonna try the rice beer, the original rice beer. And yeah. This white beer, hai, but it's a little brownish in color, and apparently it's also very strong. So let's see how this goes. But beer time. It's so sweet. बहुत बहुत मीठा है। The beer जैसा लग नहीं रहा, लग रहा आराम से बहुत सारा पी जाएंगे। तो तीन चार अगर ऐसे पियेंगे तो वो उनको नशा होगा। मैं अगर दो पीऊंगा तो मुझे हो जाएगा, मुझे लगता है। क्या कंट्रोल है? बहुत टेस्टी है पर ये। सो अब तक हमने बहुत जगह वाइट बियर ट्राई किया है और ब्लैक बियर हम ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि वो थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। तो हमारे गाइड, हमारे ड्राइवर जीतू जी ने एक जगह ढूंढी है जहाँ पे जाके हम ब्लैक बियर ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट वील गो इनसाइड देयर एंड ट्राई सम ब्लैक बियर, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑथेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर हेयर इन माजुली। सो माजुली की ब्लैक बियर इज़ नेक्स्ट, लेट्स डू इट। बस बस ये आपका है। थोड़ा 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 थोड़ा। तो जीतू जी एकदम ढेर सारा फोर कर रहे हैं, बट दिस इज गुड फॉर मी। सो ये ब्लैक बियर है पर ये काले रंग का इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको बहुत बार रिफाइन किया गया है। सही में ना? तो हम इसको अब ट्राई करते हैं। स्मेल तो काफी अल्कोहलिक है। हाँ, पीने में तो अच्छा है। अच्छा है, इतना मीठा नहीं है जितना व्हाइट बियर मीठा होता है, बट स्टिल क्वाइट गुड। नहीं है, इट्स गुड, इजी टू ड्रिंक एक्चुअली। सो आज के लंच का प्लान बहुत स्पेशल है। हम लोग आज मिसिंग लंच खाने वाले हैं। मिसिंग इज एक्चुअली ट्राइब हेयर इन माजुली और वो लोग बहुत स्पेशल तरह का खाना खाते हैं, विच इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड इनसाइड। तो अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं किचन में क्या चल रहा है हमारे लिए स्पेशल खाने की तैयारी। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल मील कर रहे हैं। हम लोग मिसिंग मील खा रहे हैं जो स्पेशलिटी है माजुली की, और हम एक बहुत स्पेशल जगह में भी कर रहे हैं। मेरे साथ पीकू जी हैं। पीकू जी, हम लोग कहाँ हैं? आपके गेस्ट हाउस के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, ये तो मेरा मिसिंग ट्रेडिशनल किचन है। मैं ये सोच करके ये बनाया कि बाहर से जो लोग माजुली में घूमने के लिए आया, उन लोगों को तो एक खाना खाना बहुत पसंद ही है ना, मिसिंग ट्रेडिशनल। तो खाना बहुत सारा है, हमारे पास समय भी है, तो हम अच्छे से बैठ के पेट भर के खाना खाएंगे। आज का लंच बहुत बड़ा होने वाला है, but can't wait for it. मेरे लिए एक्चुअली एग्स भी हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड स्पेसिफिकली एग्स, सो आई हैव एग्स एंड आई हैव आलू मटर की सब्जी भी है। तो मेरा वेजिटेरियन खाना भी काफ़ी अच्छे से है, सो इट्स गोना बी अ ग्रेट मील गाइस, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो खाने की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिसिंग कम्युनिटी में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, और वो होता है कि यहाँ पे जो घर होते हैं उन सभी घरों में एक हैंडलूम होता है एंड पीपल एक्चुअली यूज़ दैट लूम टू वीव देयर ओन क्लोथ्स। एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी है वो ये है कि द गर्ल्स एक्चुअली वीव देयर ओन क्लोथ्स फॉर देयर वेडिंग, इज क्वाइट यूनिक। तो अभी हम एक ट्रेडिशनल घर में जाके देखते हैं लूम कैसा होता है एंड मे बी डू सम शॉपिंग ऑल्सो। माजुली में मेरा स्टे काफ़ी छोटा था, पर मुझे यहाँ इतना ज़्यादा प्यार मिला दैट आई कांट वेट टू कम बैक हेयर अगेन। अगली बार जब आऊँगा तब कम से कम एक हफ्ता यहाँ ज़रूर बिताऊँगा। माजुली से केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असम का एक लेसर नोन जेम दिखाऊंगा और असम के क्लीनेस्ट विलेज में भी ले चलूँगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट भी करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दैट रियली हेल्प्स। जल्द ही दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।